नमस्कार दोस्तों, आज किसी वीडियो में बात करेंगे लिप टू टू सिरप के बारे में। इस सिरप के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं और किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए, तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। मैं हूँ शिवपाल कुमार, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और मेडिसिन कंसल्टेंट। अगर आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पैकिंग के बारे में। तो आप इसको देख सकते हैं, डार्क ग्रीन कलर की पैकिंग में आपको ये सिरप मिल जाती है। ये 200 ml का सिरप है और आपको ये हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है और इसका प्राइस 125 रुपये है। अब हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ये सिरप स्पेशली लीवर के लिए बनाई गई है, ये लीवर टॉनिक है। ये लीवर में होने वाले डैमेज को, लीवर में होने वाली कोई भी समस्या को, बीमारी को ये ठीक करती है, लीवर को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा भूख को बढ़ाती है, वजन को भी बढ़ाती है, पाचन तंत्र को भी ठीक करती है और कॉन्स्टिपेशन को भी ये ठीक करती है। इसके अलावा अल्कोहल टॉक्सिसिटी से भी बचाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल से बचाती है। इसके और भी फायदे होते हैं, लीवर डिसीज में ये बहुत अच्छा काम करती है, जैसे हेपेटाइटिस ए बी इस प्रकार की प्रॉब्लम को भी ये ठीक करती है। अब हम जानेंगे इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं, इसका कंपोजिशन क्या है। तो इस सिरप में हिमसरा, कसामी, काकामुची, अर्जुना, कासमांदा, ब्रंजा शिफा, इसके अलावा झाबुका और भी इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिंस ऐड की गई हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये आयुर्वेदिक मेडिसिंस है, आयुर्वेदिक दवा है, आयुर्वेदिक मेडिसिंस के बहुत कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इस सिरप की भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप इसको ओवरडोज लेते हैं यानी ज़्यादा मात्रा में आप इसका सेवन करते हैं तो आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करेंगे इसकी डोजेस की, खुराक के बारे में, कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। अगर आप चिल्ड्रंस को देते हैं तो 5 ml यानी 1 चम्मच 2 से 3 बार प्रतिदिन दे सकते हैं। अगर एडल्ट्स के लिए बात की जाए, जो नौजवान लोग होते हैं उनकी बात की जाए, तो वो भी 2 चम्मच यानी 10 ml 2 से 3 बार प्रतिदिन ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी प्रिकॉशंस की, कौन कौन सी सावधानियां आप लोगों को रखनी चाहिए इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले। कोई भी फीमेल्स है जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उस महिला को डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। जो महिला प्रेग्नेंट है उस महिला को भी डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। अल्कोहल के साथ इस दवा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। डायबिटीज़ के पेशेंट को भी डॉक्टर से इसके बारे में सलाह लेना चाहिए। तो ये थी सावधानियाँ, आपको ज़रूर रखनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।